हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अमृता किचन विद फन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केक रेसिपी, वो भी बहुत ही इजी केक रेसिपी है, डेकोरेशन भी बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप शुगर पाउडर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको केक के और दूसरी जो रेसिपी के नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल को और शुगर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप मैदा। आज जो है हम केक बनाएंगे मैदे का, और इसमें हम देंगे एक चॉकलेटी फ्लेवर। तो यहाँ पर हमने 3 कप मैदा ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़ा चम्मच चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर जो बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इसे हम अच्छे से छानते हुए और मिक्स कर लेंगे। छानने से क्या होता है, जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, चॉकलेट पाउडर है, सभी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इसे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मिक्स करने में। तो देखिए, यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से छान लिया है, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून वैनिला, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें कम से कम हमें 2 कप दूध लग जाएगा। तो हमें एक साथ नहीं डालना है दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे हमें मिक्स करना है। तो देखिए, अभी मैंने इसमें 1 कप दूध ऐड किया था, उसके बाद थोड़ा सा और ऐड किया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो मेरा जो पेस्ट है 2 कप दूध में पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है, और बहुत ही अच्छा तैयार है मेरा केक का पेस्ट। ये मैंने तपेली ले ली है और उसमें मैंने घी लगाकर इसे पहले से तैयार कर लिया है। अब मैं जो मेरा पेस्ट है बहुत ही अच्छा रेडी है, एकदम परफेक्ट केक जो होना चाहिए केक का पेस्ट वैसा रेडी है। तो इसे मैं उसमें तपेली में ऐड कर देती हूँ। और एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें अच्छे से जब हमारा केक बेक होना चाहिए, इसलिए इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा बेक होगा। अब इसमें हमने कढ़ाई को क्या किया, पहले से प्री हीट कर दिया है, और अब हम इसमें अपना केक 40 से 45 मिनट के लिए रख देते हैं। तो देखिए, अब हम करते हैं इंतज़ार। तो अब हमारा केक हो जाएगा 40 से 45 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार। तो देखिए, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमारा केक बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका तो बहुत ही ईजी है, मैं आपको बहुत बार अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। बहुत ही इजी तरीके से हमारा केक जो है निकल आता है। देखिए, आप इसमें देख ही पा रहे होंगे कि कितनी इजी तरीके से मेरा केक जो है बाहर निकल चुका है, और देखिए कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम जो है इसका इजी केक डेकोरेशन कर देते हैं, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। एक डेयरी मिल्क लेना है, और उसे पिघली हुई नहीं होना चाहिए, उसे हमने फ्रिज में रख दी थी जिससे वो थोड़ी अच्छी कड़क हो गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, चाकू की सहायता से बारीक बारीक कर देंगे। अब इससे इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और उसे हमें क्या करना है, केक के ऊपर लगा देना है। क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल केक रेसिपी, उसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से बनने वाला है आज हमारा केक, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और बनाने में बहुत ही ईजी होगा। तो देखिए, इस डेरी मिल्क को हमने बीच में डाल दिया है, आप चाहें तो पूरे उसमें भी फैला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा इससे, और बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। अब हमने थोड़ा सा इन स्प्रिंकल जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, कई बार कमेंट आती है कि ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये बाज़ार में जो किराने की दुकान होती है उन पे भी मिल जाते हैं, और जो केक की अलग से दुकानें होती हैं उन पे भी मिल जाते हैं। तो ये हम आसपास रख देते हैं, ये
बहुत ही अच्छे दिखने वाले हैं। आप इसे और भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं कि जो चॉकलेट बॉल्स आती हैं वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल और परफेक्ट केक रेसिपी बनकर हमारी आज तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन भी गई है। तो न्यू ईयर पे आप भी ये केक रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।